निरसा में गुप्त सूचना पर सीआईएसएफ मुगमा कैंप की टीम ने सीआर कनाली में छापेमारी अभियान चलाकर दो मोटरसाइकिल, दो स्कूटर, दो साइकिल और 600 किलो कोयला जब्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस दौरान इस धंधे में लगे लोग वाहन छोड़कर भाग गए। गिरडी के बेंगाबाद मुख्य मार्ग की हालत जर्जर है। सड़क की हालत बदहाल है और गड्ढे में पानी भर जाने से आक्रोशित लोगों ने मछली मारकर अपना विरोध जताया। तालाब बने सड़क में जाल और बंसी से मछली से लोगों ने मछली मारा। भारी संख्या में एकजुट होकर राज्य सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर जल्द सड़क नहीं बनाया जाता है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। गिरडीह की ताराटांड पुलिस ने तस्करी कर पशु ले जा रहे ट्रक को जब्त किया है और चालक को गिरफ्तार किया। ट्रक पर 25 गाय, 7 बैल लदे थे। बिहार से सभी पशुओं को लादकर बंगाल को ले जाया जा रहा था। सभी पशुओं की स्वास्थ्य जांच कर टैग लगाया गया। इस सभी पशुओं को गौशाला भेजा जाएगा। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बीती रात चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया की स्वांग कोलेरी शाखा के पीछे के सेक्शन में सेंधमारी की, लेकिन किसी वजह से चोरों को सफलता हाथ नहीं लगी। सीसीटीवी में चोरों की हरकत कैद नहीं हो पाई क्योंकि वह क्षेत्र सीसीटीवी के दायरे से बाहर है। बैंक के बिल्डिंग में भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। बैंक के शाखा प्रबंधक ने कहा कि बहुत जल्द संबंधित क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाएगा। क्षेत्र सीसीटीवी क्षेत्र से बाहर है। अगर मैं बताऊं तो इंटरनल जो हमारा एटमॉस्फेयर है, बैंक ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहां पर सीसीटीवी नहीं लगी है। जहां तक की बात है फ्रंट एरिया की, तो फ्रंट एरिया में भी हमने सीसीटीवी लगा के रखा हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पीछे में जो हमारा सेक्शन बना हुआ है जनरेटर रूम का, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इधर शिफ्ट कराने का, सो दैट कि वो जो है वो भी निगरानी का एक पार्ट। बोकारो में भारतीय इस्पात कर्मचारी संघ ने महामंत्री प्रेम कुमार के नेतृत्व में सेक्टर 4 स्थित गांधी चौक पर एनजेसीएस यूनियन और सेल प्रबंधन का पुतला जलाया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनजेसीएस यूनियन कर्मचारी हित से उन्हें कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में एनजेसीएस कमेटी की मीटिंग हुई जिससे कि कर्मचारियों को काफी उम्मीद थी, लेकिन इस मीटिंग में ना तो बोनस पर कोई सकारात्मक बात हुई और ना ही 39 महीने एरियर और ना ही किसी ज्वलंत मुद्दों पर बात हुई। हम लोगों ने कहा कि भाई 15 तारीख से पूजा शुरू है तो बोनस कब दोगे, और बोनस पर ये अपना तिगड़म लगा रहे हैं कि घाटा हो गया नफा हो गया, जबकि पिछले साल आप लोगों को मालूम है कि 40,500 रुपया मिला था कर्मचारियों को। इस बार ये लोग माहौल बना रहे हैं कि 28,000 देंगे, 26,000 देंगे, और उसी के विरोध में कि नहीं जितना हम लोग को बोनस मिला उससे ज़्यादा मिलना चाहिए। हालांकि हमने हमेशा मांग किया है कि कोल के तर्ज पर सेल का भी सम्मानजनक बोनस का फैसला होना चाहिए। फार्मूला उसी के तर्ज पर अपनाइए। ठेका मजदूर को खल की कहते बोनस उसको भी नहीं देते हैं। इन लोग का एक ही काम है, वहाँ जा कर के मीटिंग के नाम पर अपना कमीशन तय करना, अपना सुविधा को बढ़ाना, कर्मचारियों को सुविधा को बढ़ाना नहीं। गिरिडीह के बुधडी पंचायत हरघर नल योजना निर्माण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया है। धनबाद पीएचईडी के एसी रियाज अहमद इसकी जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान काम में भारी अनियमितता मिली। रियाज अहमद ने कहा कि काम से अधिक की निकासी की गई थी। संवेदक से इस संबंध में एमबी की मांग की गई है, लेकिन एमबी नहीं दिखाया गया।
देखें काम अभी शुरुआत हो रहा है, लेकिन भुगतान तो कुछ ज़्यादा हो गया है हमारे हिसाब से। अब जब तक MB हमको नहीं मिलेगा तब तक हम चेक नहीं कर सकते हैं क्या भुगतान हुआ है, क्या भुगतान हुआ क्या साइकिल फिल्म मकान पर देख लीजिए, सिर्फ बोरिंग हुआ है कुछ जगह गड्ढा किया गया है। अभी बुधू टी पंचायत में आया अब यही स्कीम कितने घूमते शाम हो गया देख रहे हैं, सुबह 11 घूमते हुए और कहीं जाना अब कर देगा पाँच स्कीम देख लिए। धनबाद जिले का गया पुल जर्जर अवस्था में है, इसकी मरम्मत की स्वीकृति मिल चुकी है। 84 लाख की लागत से गया पुल का मरम्मत किया जाएगा। इस वजह से बैंक मोड़ और श्रमिक चौक के बीच आवागमन को कुछ दिनों तक बाधित किया जाएगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि जर्जर हुई पुल की हालत को अब ठीक कराया जाएगा, क्योंकि पुल के निर्माण के बाद से अभी तक इसकी मरम्मति नहीं कराई गई। हालांकि आपको बता दें कि पुल की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। सरकार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चीफ इंजीनियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जोनल मैनेजर ईस्टर्न रेलवे, स्टेट ऑफ झारखंड, डिप्टी कमिश्नर धनबाद PS, 8 आदमी को हम लोगों ने प्रतिवादी बनाया था और मांग की थी कि अविलंब मरम्मत कराई जाए। 29 जनवरी 2021 को हम लोगों ने PIL रांची उच्च न्यायालय में दायर किया था। पिछले 2.5 वर्षों की लगातार कानूनी लड़ाई के बाद अंततः काम लगा है, वर्षों से पुल के मरम्मत के लिए राशि भी स्वीकृत हो गई है। धनबाद में करोड़ों का लोन देने वाला उद्योग केंद्र आज खुद बदनसीबी पर आंसू बह रहा है। उद्योग का भवन काफी पुराना है और बराबर स्लेब गिरते रहते हैं, कब अनहोनी हो जाए कोई नहीं जानता। यह जिला उद्योग केंद्र है, लेकिन दूर से देखने में तबेला जैसा दिख रहा है। हम आपको अंदर ले चलते हैं। यहाँ चारों तरफ से जर्जर है, स्लेब अपने आप गिरता है, लगातार हो रही बारिश से कमरे की छत भी टपकने लगी है। यह एक कमरे का हाल नहीं है बल्कि पूरी बिल्डिंग का यही हाल है। एक तो जर्जर, दूसरी तरफ बारिश ने आफत मचा दी है। कर्मचारियों को कार्य में डर बना रहता है। खबर बनाते समय एक स्लैब को हाथ लगाते ही वह गिर गया। जर अवस्था में है और हमेशा कुछ न कुछ इधर से उधर से बिल्डिंग से ये आपका प्लास्टर है जो गिरते रहता है और किसी भी समय अचानक बड़ी हादसा होने की संभावना है। यहाँ करीब 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सभी लोगों को यह डर सताया जा रहा है कि यह भवन कभी भी गिर सकता है। किसी को पता नहीं है छत से लेकर पिलर तक कब गिर पड़े। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। जो कक्ष है, बैठने का कक्ष, वो काफी ज्यादा छूटा है, तो इसलिए वो मतलब वो उसमें बैठकर काम करने के लायक नहीं है। सरकारी कार्य का निष्पादन भी आवश्यक है, तो दूसरे कक्ष में बैठकर काम कर। हम लोग प्रस्ताव भी भेजे हैं सरकार को, प्रस्ताव होने में हो जाएगा तब नया बिल्डिंग का प्रोसेस चालू होगा। मैं 13 नंबर रूम में, मेरा कैबिन है 13 नंबर रूम, वहाँ सब कुछ भींग चुका है, टेबल कुर्सी जो भी है, कंप्यूटर भी खराब हो गया, प्रिंटर भी, स्कैनर भी सब खराब हो गया इसीलिए। और कल तो जैसे ही रूम खोल रहे थे, ऊपर से बड़ा सा ऊपर से नीचे छत गिर गया था। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस जर्जर भवन की जानकारी संबंधित विभाग को देने के बाद भी अब तक नए बिल्डिंग या किसी और दूसरे बिल्डिंग में उद्योग केंद्र स्थापित क्यों नहीं किए गए। क्या सरकार के ध्यान में यह उद्योग केंद्र नहीं है या बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। दूसरे को उद्योग देने वाला जिला उद्योग खुद भवन के लिए तरस रहा है। आए दिन यहाँ के कर्मचारी डर के साय में काम करने के लिए विवश है। इस समय न्यूजीलैंड भारत के लिए अशोक कुमार सिंह, धनबाद। लगातार बारिश ने आम लोगों के साथ कई संस्थानों में भी तबाही ला दी है, लेकिन इससे कई संस्थानों की कलई भी खोल दी। धनबाद जिले के कई स्कूलों के छत टपकने लगी है। कमरे में कई जगह बर्तन रख दिए गए हैं ताकि पानी कमरे में नहीं फैले। दीवारों में भी सिलन आ गई है और दीवारें कई जगह क्रैक कर गई है। देखिए रिपोर्ट। धनबाद के कई स्कूलों की कलई इस बरसात ने खोल दी। ये है प्राथमिक विद्यालय भूदा। बच्चों को बरामदे में बिछाया गया है ताकि वे पानी से बच सके।
क्योंकि कमरे में पानी भरा हुआ है। बरामदे में भी पानी टपक रहा है, इसलिए कई जगह बर्तन रख दिए गए हैं। छात्र और शिक्षक दोनों को इस बिल्डिंग में डर बना रहता है, जबकि इस स्कूल में 3 नए कमरे बनाए गए हैं और सभी कमरे बेहाल है। स्कूल विद्यालय में रोज पानी गिरता है, रोज हम लोग का ये सब सीमेंट सब गिर के हम लोग को डर लगा रहता है कि कब चपड़ा गिर के हम लोग को माथा में गिर जाएगा और बहुत डर लगता है। और हम लोग पानी गिर गिर के तो स्कूल का पानी से तो मेरा कपड़ा भींग जाता है, इसलिए हम ये कपड़ा पहन के आते हैं कि BRC में दे रहे हैं। हम DAC ऑफिस में भी गए थे, साक्षरता विभाग है, वहाँ पर अप्लीकेशन दिए थे। सर आज 3-4 साल हो गया, अब तो दिन पहले थोड़ा कम भी था 2 साल पहले, लेकिन 2 साल से अत्यधिक पानी पड़ रहा है और बच्चे इतने परेशान हैं। हम तो डर डर के आते हैं स्कूल, जे कब क्या हस्ता हम हो जाएगा। देख सकते हैं कि बिल्डिंग जो है पूरी तरह से चू रहा है और पानी से इस तरह टपक रहा है कि आप देखिए, ये समतल जमीन है, ये फर्श पर जिस तरह ये पानी टपका हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है। हम सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा इस तस्वीर दिखाएं, और नीचे में जो है बर्तन रखा हुआ है कि यानी जो पानी गिर रहा है, सोचा जा रहा है कि पूरे फर्श पर ना आए लेकिन बर्तन में पानी गिरे, लेकिन यहाँ न गिर के बल्कि चारों तरफ से एक छिद्र बना हुआ है। अब हम आपको झरिया मध्य विद्यालय में लिए चलते हैं। इस स्कूल का हाल भी बेहाल है, दीवारों में सिलन यहाँ भी आ गई है और जर्जर छत से पानी टपक रहा है। झरिया के ही +2 स्कूल का कमोबेश वही हाल है। से DO साहब आप भी आए थे, यहाँ देख करके सारा चीज। इसके पहले तो आपने शिकायत भी किया था? जी जी जी। तो कब तक, कितना दिन पहले शिकायत की थी? बीच में आवेदन दिए थे, मीटिंग हुआ था गुरुगोष्ठी, उस समय भी भरवली भी बोला गया था और लिखित रूप से भी दिए। तो क्या बताया गया था? बिल्डिंग बोले थे ठीक है, इसका एस्टिमेट भेजते हैं, उसके बाद देखेंगे। आपने भेजा है एस्टिमेट? हम एस्टिमेट नहीं भेजेंगे ना, वो लोग आएंगे, इंजीनियर आएगा, वो एस्टिमेट बनाएगा। राज +2, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो स्थिति उसी तरह कायम है। अब देखिए कि नीचे में पानी लगा, ऊपर में जो है बिल्डिंग जर्जर हो चुका है, जबकि ये बिल्डिंग का नया निर्माण कराया गया था। सवाल यह खड़ा होता है कि कौन सा जो कॉन्ट्रेक्टर निर्माण इस तरह का कराया कि ताकि जो स्थिति बद से बदतर है। कुछ बच्चों को तो दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब तो यहाँ के बच्चे कैसे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद। अरविंद, ये बताओ कि क्या दिक्कत है? सर यहाँ पूरा पानी गिरता है। सर पूरा यहाँ पानी गिरता है और छत पे कॉपियों पे भी भींग जाता है सर, बैठने में दिक्कत होता है, डर भी लगता है सर गिर उठ गया तो। सर यहाँ पानी का भी समस्या है, पानी भी नहीं आता है यहाँ पीने के लिए और वॉशरूम में भी नहीं है यहाँ पे। स्कूलों के कुछ बिल्डिंग कुछ ही साल पहले बने हैं, लेकिन बारिश ने सभी की कलई खोल दी। अब सवाल ये उठता है कि भवन का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया और इस हाल के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या ऐसे कृत्यों पर कोई कार्रवाई होगी? धनबाद से अशोक कुमार की रिपोर्ट। गांडे में न्यूज 11 भारत की खबर का असर देखने को मिला। बुधवार को लगातार बारिश के कारण घर का दीवार गिरने से गांडे प्रखंड के केराढ़ी गांव निवासी गुथा मरांडी की मौत को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद गांडे BDO विजय कुमार और CO मनोज केराढ़ी पहुंचकर मृतक के परिवार वालों से मिलकर पेंशन स्वीकृति के साथ आपदा राहत कोष के तहत परिवार को मिलने वाले लाभ की राशि जल्द देने की बात कही। दो दिन पहले यहाँ एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें गुठा मरांडी जी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया है। और यहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जितना भी जो प्रावधान है सरकार का, उसके तहत जितने भी प्रकार के लाभ मिलने चाहिए, जैसे अंबेडकर आवास जो विधवा है उनको पेंशन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन देना है वो, उसके अलावा मनरेगा से भी कुछ योजनाओं से इनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दो दिन
बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 14 और 15 में स्थित चास मेन रोड के लोगों के आस्था का केंद्र भोलुर बांध में कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शहर के गंदे पानी को तालाब में घुसाया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय लोग काफी आक्रोशित है। हालांकि इसकी जानकारी जब स्थानीय लोग को लगी तो मौके पर पहुंचकर गंदे पानी को तालाब में घुसने से रोकने का काम शुरू किया गया और इसकी जानकारी नगर निगम को दी गई। स्थानीय लोगों की माने तो नाले के पानी से रामनगर कॉलोनी का कोई गली पानी से भरा जा रहा था, जिस कारण कुछ लोगों ने नाले को तोड़ दिया और इस वजह से तालाब में गंदा पानी घुसने लगा। मंत्री जी आए थे, अभी नहर है उसको बोल के हम लोग नाली बनवाए हैं। इधर रामनगर कॉलोनी तरफ नाली बना है, लेकिन कहीं पे सुने हैं कि नाली का पानी किसी के गले उले में घुस जा रहा है, उसके चलते कुछ बदमाश तरह का लड़का जो है उसको सावल से तोड़ के और गंदा पानी नाले का पानी भोलू बांध में घुसा रहा है। इसका खबर हम अभी नगर निगम को दिए हैं। हम अपन नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि कुछ वीडियो है उसको भेजेंगे, उन लोग के नाम पे कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि भोलू बांध दुर्गा पूजा आने वाला है। हम लोग इस बार खुश थे कि नाले का पानी से नहीं सही पानी से कलश उठेगा। हम लोग फिर अफसोस हो गया कि आज फिर नाले का पानी भोलू बांध में घुस रहा है। अभिभावक स्वरूप संयुक्त बिहार भाजपा के अभिभावक रहे राष्ट्रीय समाज पार्टी के लिए जीवन अर्पण करने वाले स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की जयंती पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने जगजीवन नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। चंदन क्यारी में छऊ प्रशिक्षण परियोजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि छऊ केंद्र का मुख्यालय चंदन क्यारी में स्थापित होना गौरव की बात है। राष्ट्रीय छऊ नृत्य अनुसंधान केंद्र चंदन क्यारी और इसे छऊ नृत्य अनुसंधान केंद्र से जो अपनी प्राचीन विधा है छो उसके संवर्धन के लिए उसके उन्नयन के लिए लगातार कई प्रकल्प चालू किए हैं। उसी के निमित्त एक गुरु और शिष्य का प्रशिक्षण का कार्यक्रम छो नृत्य प्रशिक्षण कार्यक्रम संगीत नाटक अकादमी छो नृत्य छो अकादमी चंदन क्यारी की तरफ से पूरे देश में चलाया जाता है। तो जो अभी चल रहे सेंटर हैं उनका आकलन और परीक्षण, क्योंकि जो काम आप लगातार कर रहे हैं जिसके लिए संसाधन उपलब्ध मुहैया कराया जा रहा है, तो उसमें कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ, कितना उसमें उन्नति हुआ, तो एक आकलन और परीक्षण का कार्यक्रम अभी चल रहा है। राष्ट्रीय छऊ नृत्य अनुसंधान केंद्र चंदन क्यारी और इसे गिरिडीह के जमुआ में एक विवाहिता का शव कुएं से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपनी बेटी की मौत पर मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया। लड़की के पिता ने थाने में दिया आवेदन में लड़के पर शादी के बाद लगातार मोटरसाइकिल मांगने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। बोलना के ना जीव के काल के तर ना जान लिया बाबू ये मार के यार कुंवा हम डरल को यार निकाल के बिगल को ऊपर में यार हमने फोन कर दल को कि बेटिया डूब के लो मर के यही पर ही था। तो दो दिन हुआ तो बोला कि हम लेके जाएंगे अपना घर, तो ये ले गया चल गई शाम को गया। तो उसका बाद इसमें थोड़ा पूरा लड़ाई उड़ाई हो रहा था कि हमको मालूम नहीं है, तो मेरा मोबाइल में फ़ोन नहीं लग रहा था, इसका भी मोबाइल में फ़ोन नहीं लगता है, तो हम मेरा दूसरा मोबाइल से फ़ोन की, बोले दीदी मेरा मोबाइल में नंबर ब्लॉक कर दिया है नहीं लग रहा है। तब बोले कि क्या बात है, ठीक है बहुत। फिलहाल अपना कोलांचल में इतना ही, देखते रहे न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।